हेलो स्टूडेंट्स, कल अ गर्ल विद अ बास्केट का लेसन ये दो पैसेज यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज स्टार्ट करते हैं इससे आगे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट वह मार्ग ले गया थ्रू से होकर वन एक ऑफ द रिचेस्ट सबसे घने ऑफ इंडियाज भारत के एग्रीकल्चरल कृषिक एरियाज क्षेत्रों से होकर। वह मार्ग भारत के सबसे घने कृषि क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र से होकर ले गया। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर 1000 feet अबोव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। दिस ये वाज था द प्लेन समतल मैदान ऑफ द अपर ऊपरी गंगा रिवर गंगा नदी का 1000 feet 1000 feet अबोव ऊपर सी लेवल समुद्र के लेवल से बट लेकिन ट्रॉपिकल उष्णकटिबंध है। ये मैदान गंगा नदी के सबसे ऊपर का समतल मैदान था जो कि समुद्र के लेवल से 1000 feet ऊपर था लेकिन उष्ण कटिबंध था। द गंगा बाज ब्राउन सिल्ट सोलेन विद फ्लूड वाटर्स इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। द गंगा नदी बाज थी ब्राउन भूरे रंग की सिल्ट रेत। गंगा नदी भूरे रंग की रेत थी। सोलेन भरी हुई थी विद फ्लड बाढ़ के वाटर्स पानी यानी पानी जो कि बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। इट्स इसका ओवरफ्लो ऊपर से बहता हुआ पानी इन अनडेटिंग कवर करता हुआ ढकता हुआ थाउजेंड्स हजारों ऑफ एकर्स एकड़ ऑफ राइस चावल। गंगा नदी भूरे रंग की रेत थी जो कि अपने बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी या भरी हुई थी और इसका ऊपर से बहता हुआ पानी जो कि हजारों एकड़ चावल के खेत को डूबे हुए था या ढके हुए था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लंप ऑफ ट्रीज। टू द नॉर्थ इसके उत्तर में बर जंगल्स जंगल थे इसके उत्तर में जंगल थे ग्रेट एक्सपेंस बहुत बड़े एक्सपेंसेस विस्तार वाले ऑफ ग्रास घास थी हायर देन मैन्स हेड आदमी के सिर से भी ऊंची यानी आदमी के सिर की अपेक्षा या आदमी के सिर से भी ऊंची बहुत बड़ी घास विस्तार तक या दूर दूर तक फैली हुई थी। एंड अनब्रोकन और बगैर टूटी हुई या वह घास टूटी हुई नहीं थी। एक्सेप्ट सिवाय फॉरेन एक एक्यूजनल कभी क्लम्प होता है समूह और ट्रीज पेड़ों के सिवाय पेड़ों के समूह के मतलब आदमी के सिर से भी ऊंची बहुत बड़ी घास थी जो काफ़ी विस्तार से फैली हुई थी और बगैर टूटी हुई थी सिवाय एक स्थान के जहाँ पर पेड़ों का एक समूह था। द होम ऑफ टाइगर्स एलिफेंट्स पाइथन्स एंड कोबरास। द होम घर ऑफ टाइगर्स चीतों के एलिफेंट्स हाथियों के पाइथन्स अजगर सांप के एंड कोबरास कालीनांग जो कि चीतों के घर थे हाथी का घर अजगर का घर और कालीनांगों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट रनिंग टू द होरिजन बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री और बाय रोज ऑफ पाकल ट्रीज। एवरीवेयर प्रत्येक स्थान पर एल्स अन्यथा या अतिरिक्त देयर वाज था फ्लैट समतल लैंड भूमि रनिंग दौड़ती थी टू द होरिजन क्षैतिज स्थान तक। प्रत्येक स्थान पर यानी इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर समतल भूमि थी जो कि क्षैतिज स्थान तक दौड़ती थी। क्षैतिज स्थान का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां ऐसा लगता है कि आकाश पृथ्वी को स्पर्श करता है।
बट लेकिन डॉटेड अंकित करती थी हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ बाय द सैक्रेड बनियान ट्री और वह पवित्र बरगद के पेड़ को इधर उधर अंकित करती थी और या बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज या पाकड़ के पेड़ की शाखाओं को अंकित करती थी। शेप्ड आकृति लगती थी लाइक एल्म जो कि एल्म के पेड़ की आकृति लगती थी। हैविंग रखती थी थिक मोटी ट्विस्टेड घुमावदार टंगस्टेनिया और वह मोटी घुमावदार टहनिया रखती थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट गर्म ह्यूमिड ठंडी या नर्म एयर हवा बाज मूविंग चल रही थी इन फ्रॉम से द साउथ वेस्ट दक्षिण और पश्चिम से ठंडी और नर्म हवा चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ स्विंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। मंकीज बंदर सम ऑफ देम उनमें से कुछ उनकी माताएं कह सकते हैं बंदरियां विद बेबीज बच्चों के साथ क्लिंगिंग चिपकाए हुए थी टू देम उन्हें एंड और राइडिंग लटकाए हुए अंडरनीथ नीचे स्विंग ऑफ उछल कर आते थे ट्रीज पेड़ों से एट द स्टेशंस मार्गों पर लुकिंग देखकर फॉर फूड भोजन के लिए। बंदर उनमें से कुछ उनकी माताएं या बंदरियां अपने बच्चों के साथ आती थीं जो कि उनके बच्चे उनसे चिपके हुए होते थे और उसके नीचे या उनके नीचे लटके हुए होते थे और वे स्टेशन पर भोजन को देखकर उछल कर आते थे। द विलेज गांव बी पास्ड हम गुजरे हेड वॉल्स दीवारें मेड ऑफ बनी हुई मड मिट्टी की मिक्स्ड मिक्सचर या मिली हुई विद वाटर पानी एंड काओ गाय डंग गोबर। वह गांव जिससे हम गुजरे उस गांव की दीवारें मिट्टी की व गाय के गोबर की पानी के साथ बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैस्ड देयर उनकी पीक्ड शिखर वाली रूफ्स छतें वर थैस्ड छप्पर थे उनकी सर्वोच्च छतें छप्पर थीं। बंडल्स गट्ठर ऑफ ग्रास घास के टायर बंधे हुए थे टू बैम्बो पोल्स घास के गट्ठर बांस के पोलों से बंधे हुए थे। स्क्रैच्ड फैले हुए एक्रॉस आर पार रैप्टर्स बल्लियों के जो कि बल्लियों के आर पार खींचे हुए थे। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव बाल्स। दैट डे उस दिन द पंपकिन कद्दू बाइंस लताएं दैट जो ग्रू बढ़ती थीं ओवर देम उनके ऊपर वर इन ब्लूम फूल खिले हुए थे। उस दिन जो कि कद्दू की लताएं थीं वे आगे बढ़ती रहती थीं और उन पर फूल खिलाए थे। ट्रेलिंग खींचती थीं स्ट्रीक्स रेखाएं ऑफ येलो पीले रंग की ओवर ड्रेव होता है नीरस वाल्स दीवारों जो कि नीरस या बेकार सी दीवारों के ऊपर पीले रंग की रेखाएं खींचती थीं। तो ये यहाँ तक हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एट वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल बाज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर माय रूटीन मेरी दिनचर्या ऑफ टॉकिंग बात करने की टू द पीपल लोगों से बाज थी इंटरप्टेड भंग हो गई टूट गई। एक स्टेशन पर मेरी लोगों से बात करने की दिनचर्या टूट गई। एज सून एज जैसे ही या ज्यों ही आई अलर्टेड मैं उतरा अ ग्रुप एक समूह ने ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों के गैदर्ड घेर लिया अराउंड चारों ओर से मी मुझे ज्यों ही मैं उतरा एक
छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वास हैंड बुबिन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। दे बे बर सेलिंग बेच रहे थे बास्केट्स टोकरियाँ। बे सभी बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड बुबिन हाथ से बनी हुई टोकरियाँ। रीड बास्केट किसी प्रकार की कह सकते हैं सरकंडा वाली टोकरियाँ। विद सिंपल डिजाइन साधारण नमूने वाली एंड पैटर्न्स सुंदर डिजाइन। बे बच्चे हाथ से बुनी हुई टोकरियाँ सरकंडा वाली टोकरियाँ तथा जो कि साधारण नमूने वाली और सुंदर डिजाइन वाली थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शॉर्टिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंगली अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। दे बे हेल्ड पकड़े हुए थे द बास्केट्स टोकरियों के लिए हाई ऊंचा। बे टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे शॉर्टिंग चिल्ला रहे थे वर्ड शब्दों में और वे अपने शब्दों में चिल्ला रहे थे। आई मैं डिड नॉट नो नहीं जानता था बट लेकिन कन्वेइंग बता रहे थे अनमिस्टेकेबली बिना गलती करते हुए देर अपनी डिजायर इच्छा के लिए। बे टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे तथा अपने शब्दों में चिल्ला रहे थे। मैं नहीं जानता था या नहीं समझ पाया लेकिन वे अपनी इच्छा को बिना किसी गलती के बता रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।